मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैं दरवाजा बंद कर लूं? नहीं नहीं आप बैठे, आप बैठे। मुझे आपसे ये कहना है कि आप जोया से शादी कर लें। हाँ, उनका ना इस दुनिया में शौहर नहीं है। कितना छोटा सा बेबी है उनका, कितनी अकेली रहती है ना वो, इसलिए तो हर वक्त रोती रहती हैं वो। और हाँ, वो कभी ना अपने मुंह से नहीं कहेंगी, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ प्लीज़ उनसे शादी कर लें। अगर आप उनसे शादी करेंगे ना, आपको सवाब भी मिलेगा। सवाब? क्या हो गया तुम्हें? तुम ये बात करने आई हो मुझसे? होश में तो हो? पता भी है क्या कह रही हो? जी। और तुम्हारा क्या बनेगा? मेरा क्या बनेगा? मेरे पास मम्मा हैं, पापा हैं। सच बताऊं तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है, इसलिए आपके लिए बेहतर यही है आप जोया से शादी कर लें। मैं जा रही हूं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि जोया कहां है? मैं आपको नहीं बता सकती नेमा साहब, उसने मुझे अपनी कसम दी है और मैं अपने बेटे अजमीर को खो चुकी हूँ, जोया को नहीं खोना चाहती। लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना माँ जी, जोया को इस घर में कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि अब्बा जी खुद जाकर जोया को और अपने पोते को साथ लेके आएंगे। क्या कहा तुमने? मेरा पोता? जी अब्बा जी, माँ जी बताए ना अब्बा जी को, जोया के पास अजमीर का बेटा है। क्या कह रही है? कहाँ है मेरा पोता? तुमने ये खबर मुझसे छुपा के क्यों रखी है? कहाँ है मेरा पोता? बताओ मुझे कहाँ है मेरा पोता? कौन सा पोता? कौन सी खुशखबरी नेमत साहब? आप तो उसे अपना खून ही नहीं मानते, इसी वजह से आज सोया दरबदर है। नगमा मेरा पोता, मैं अपने पोते को खुद लेने जाऊंगा, अपनी बहू को, मेरे अजमीर का बेटा, इस खानदान का वारिस नेमत अली का पोता जिंदा है। पर कितना बदनसीब हूं मैं कि मैं ये तक नहीं जानता। तुमने ठीक कहा था कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे पोता दिया है, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत खुश हूं। कैसी हो? ठीक। मुझे दिखाओ। आइए। हाँ जी, कैसे हो? मुझे आपसे आप पहले कहें। नहीं, पहले पहले तुम बोलो। वो नहीं, इट्स ओके, आप बोले। मैम आपसे कोई मिलने आया है?
मुझसे मिलने कौन आ सकता है? मैम वो लॉन्ज में बैठे हैं। मुझे माफ कर दो बेटा। भाजी आप क्या कर रहे हैं? ये हाथ मुझसे माफी मांगने के लिए नहीं है, मेरे सर पे हाथ रखने के लिए। नहीं बेटा, मैं जितनी भी माफी मांगू वो कम है। बहुत जुल्म किया है मेरे तुम पर। मेरे अस्मीर का बेटा, मेरा पोता, मेरे खानदान का वारिस। चलो बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। अब मैं तुमको अपने से अलग नहीं होने दूंगा। मेरे दिल बिच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने। अच्छा बेटा, चलते हैं। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अंकल, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आओ बेटा। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। तू दिल चली गई। शारिक, जोया चली गई। आपने उसे जाने दिया, आपने उसे रोका क्यों नहीं? बोले जोया कैसे जा सकती है? क्यों नहीं रोका आपने उसे? मैं ही रोकती हूँ उसे। सबक जोया, क्या कर रही हो? मुझे रोकने उसे। वो चली गई है। नहीं, वो कैसे जा सकती है? जोया, जोया रुको, तुम नहीं जा सकती। शारिक, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? जोया, संभालो अपने आप को। जोया रुक जाओ। सबक नहीं, जोया
मुझे। लगता है तुम दोनों मियां बीवी ना, तुम दोनों का आपस में मुकाबला शुरू हो गया। एक बिस्तर से उठता है और दूसरा लेट जाता है। अब रहमत मियां कल तक तो अच्छे भले थे, आज ही बिस्तर पर पड़े हुए। अम्मा, इन्हें टेंशन ने बीमार किया है, मैंने अच्छी तरह जानती हूँ कि अंदर ही अंदर खुल रहे हैं और मुंह से कुछ नहीं कह रहे। सोया की परेशानी इन्हें खाई जा रही है। ले, थोड़ा सा खा लें, आपने कल से कुछ नहीं खाया। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। इसी तरह उसकी जुदाई में आपने यूं घुलना है और अपने आप को बीमार रखना है, तो क्यों नहीं जाके उसे ढूंढ लेते? कहां ढूंढूंगा उसे? सोया, मेरी बच्ची क्या चली गई थी? तेरे जुदाई में बीमार हो गए। बेटा माफ कर दो, बेटा मुझसे नहीं मिलने। अरे दादी, अरे छुट्टी जाए मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी जान। बस करें भाई साहब, आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है। आज हमारी बेटी हमारे घर आई, पर देखें इस घर की खुशियां भी साथ लाई। ये देखें, ये आपका नवासा और मेरा पोता। हाय, तुम जो मुंह छुटकी जाए मेरा पोता, क्यों नहीं बहुत याद आ रही है ना? उसे वापस ले आओ शारिक। कैसे? ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ ले आओ उसे। कैसे? उसे शादी कर लो। अपनी बीवी बनाकर पूरे मान और हक के साथ उसे इस घर में ले आओ। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं अम्मा, मुझे बता क्या बात है। किसी ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा। असली याद आ रहा है बेटा? इसमें उसी की वजह से तो हो रहा है ये सब कुछ। ये
ये तो क्या कह रही हो सोया? हाँ अम्मी, वो मुझे छोड़ के नहीं जाता तो शारिक मेरी जिंदगी में कभी नहीं आता। शारिक? शारिक, ये सब कुछ इजमीर की वजह से ही हो रहा है। अगर आज वो मेरे साथ होता तो शारिक से कभी मोहब्बत नहीं होती। ऐसा कोई सोच रहा था कि जोया और समीर के आने की खुशी में एक दावत कर दी जाए? दावत? जी जी दावत। वैसे भी हकीका तो करना ही है ना इसका। हकीका तुम जरूर करो नेमत, लेकिन दावत जरूरी नहीं। जरूरी है, दुनिया को पता चलना चाहिए कि नेमत अली की हाँ पोता पैदा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है जी माशाल्लाह। बस अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे। काश इसकी सूरत की तरह इसकी किस्मत भी प्यारी होती। आप लोग बैठिए तो तशरीफ रखिए। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, आइए तशरीफ रखिए। आप लोग बैठे हैं।